शेयर के तौर पे पसंद आता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और खरीदारी करने की सलाह रहेगी 690 से 700 तक के टारगेट्स के लिए एक महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। HDFC लाइफ की बात करें तो कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ बिजनेस कर रही है और जो ग्रोथ बेसिकली उसको आ रही है वो Tier 2 और Tier 3 एरिया से आ रही है और ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी ने कुछ एक जो इनके प्रोडक्ट थे उसमें बड़े टिकट साइज के प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए थे तो वहां पे बहुत बढ़िया रिकवरी कंपनी को जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें देखने को मिलेगी और वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी की ग्रोथ के लिए और उसकी वजह से टॉप लाइन जो है वो सुधरती हुई नजर आएगी। जिस तरह से पिछले कुछ नतीजे जो थे वो कंपनी की एक मॉडरेट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे लेकिन अब जिस तरह की ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं उसके चलते ऐसा लगता है कि बढ़िया नतीजे ये कंपनी पेश करती हुई नजर आएगी। कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी हेल्दी है जो कि लॉन्च होने वाली थी FY24 में और कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो FY25 में भी लॉन्च होंगे और वो काफी हेल्दी हैं स्पेशली अगर हम इसमें NVT प्रोटेक्शन सेगमेंट की या फिर नॉन पार सेगमेंट की बात करें। मुझे लगता है कंपनी ने अपने मार्जिन को अभी तक भी सस्टेन किया हुआ है हायर शेयर ऑफ यूलिप के होते हुए भी और आगे जाते हुए भी ये मार्जिन बढ़िया ही रहते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से कंपनी का एम है कि पेनिट्रेशन इंप्रूव करे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में तो मुझे लगता है कि वो कंपनी को काफी फायदा देते हुए नजर आएंगे। ऑल इन ऑल बढ़िया कैंडिडेट लगती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसलिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 695 से 700 के लक्ष्य के लिए समय सीमा एक महीना रखी जा सकती है।